मैं सेक्स वर्कर के काम से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ औरतों का कोई सम्मान नहीं है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मैं अकेली हूँ, बेटे का ख्याल रखना होता है और अब मैं शहर के भारी इलाकों में एक छोटा सा घर लेना चाहती हूँ। ये मेरे जीवन का कड़वा सच है कि मैं अपनी रूह बेचती हूँ। ये शब्द हैं ईरान की रहने वाली नेदा की। लेकिन नर्क से भी बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर महिलाओं में सिर्फ नेदा ही नहीं है, बल्कि ईरान की कई महिलाएं और कुछ पुरुष भी शामिल हैं। पाबंदी के बावजूद सेक्स वर्करों की संख्या ईरान में लगातार बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ सिर्फ तलाकशुदा महिलाएं ही सेक्स वर्कर का काम करती थीं, लेकिन अब जवान लड़कियां भी सेक्स वर्कर का काम करने लगी हैं। ईरान में ड्रग एडिक्ट महिलाओं के इलाज में लगे आफताब सोसाइटी नाम के एक एनजीओ ने बताया कि साल 2019 में राजधानी तेहरान में करीब 10,000 सेक्स वर्कर थे, जिनमें से लगभग 35% शादीशुदा थी। बता दें कि ईरान में महिलाओं के लिए नौकरी ना के बराबर है, तो वहीं जिस्म फरोशी के इस धंधे में कई तरह के रिस्क भी हैं। कई बार तो सेक्स करने के बाद पुरुष पैसे भी नहीं देते हैं, जिसकी शिकायत भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान में सेक्स वर्क गैर कानूनी है और इसके लिए महिलाओं को कड़ी सज़ा मिल सकती है। इसलिए पुरुष अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जेंडर इक्वालिटी ना होने की वजह से ज़्यादातर महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जा रही हैं। इसकी वजह से उन्हें पैसों के लिए सेक्स वर्कर का काम करना पड़ रहा है। तो वहीं नौकरी ना होने की वजह से इस दौरान ईरान में मेल सेक्स वर्कर की भी संख्या लगातार बढ़ी है, जो कि महिलाओं के साथ संबंध बनाने के पैसे लेते हैं। 28 साल के कामयार भी इनमें से एक हैं। वो सुपरमार्केट में कैशियर का काम करते हैं, लेकिन इस जॉब और पिता की मदद के बावजूद अपना खर्चा नहीं चला पाते, जिसके बाद कामयार ने मेल सेक्स वर्कर का काम करने का फैसला किया। कामयार का कहना है कि मैं हमेशा से इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन अब ये मेरे लिए कोई जॉब ही नहीं है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं उसे शादी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं जो अभी कर रहा हूँ उस पर मुझे गर्व नहीं है। पैसे के लिए किसी अजनबी महिला के साथ सोना मेरा सपना नहीं था। जाहिर तौर पर मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। बता दें कि ईरान में साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद नए शासन के दौरान कई सेक्स वर्करों को फांसी दे दी गई थी और वेश्यालयों को बंद करवा कर सेक्स के लिए महिलाओं के इस्तेमाल को वैधता देने के लिए ईरान में जावाज अल मुता या आनंद के लिए शादी करने का रिवाज बनाया गया। इस चलन के मुताबिक महिलाएं तय समय के लिए किसी भी पुरुष के साथ बीवी की तरह रहेंगी, फिर उनका रिश्ता खत्म हो जाता था। ईरान की शिया इस्लामी व्यवस्था के तहत मुता विवाह की अनुमति है और इसे वेश्यावृत्ति नहीं माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।